मैडम, कटप्पा ने बाहुबली को काहे मारा? इस सवाल के जवाब तो हम दे सकते हैं, पर बजट कैसा रहा? इस सवाल वेरी टफ मैडम। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूँ आसिया। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया। उन्होंने शिक्षा जगत, रोजगार, रेलवे, क्रिप्टो करेंसी, रक्षा विभाग सहित कई क्षेत्रों में अहम घोषणाएं की। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बकबक मास्टर लाल बुझक्कर, जो जानते जितना कम है बोलते उतना ही ज्यादा है। क्यों जी लाल बुझक्कर जी, आप इतना बोलते क्यों हैं? काहे कि मैडम, बोले पर ना अब तक टैक्स नहीं लगा है। देखिए, ईबेर भी नहीं लगा। वैसे मैडम, दुनिया जे कहे, पर हमको तो लगता है ना, सरकार जो है ना, वो चाहती है कि लोग जम के बोले। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लगता है? मैडम देखे नहीं, बजट में मोबाइल फोन का दाम कम किया गया है। और यह नहीं मैडम, कुछ दिन पहले ट्राई भी ऑफर सबके वैलिडिटी 28 दिन से बढ़ा के 30 दिन का कर दिया। एकर मतलब का हुआ? का हुआ मतलब क्या हुआ? एकर मतलब हुआ कि बोलो, खुला बोलो, और जब बोलते बोलते मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो चार्जर भी सस्ता कर दिया गया है। माने चार्ज करो और फेनू और बोलो। हमरे जैसे आदमी के और का चाहिए मैडम? मुझे तो लगता है आपके बिना मतलब के बोलने पर टैक्स लगना चाहिए। ई का बोल रही है मैडम, ऐसा मत बोलिए। अच्छा चलिए, छोड़िए ये सब और बताइए बजट कैसा रहा। मैडम, कटप्पा ने बाहुबली को काहे मारा? ई सवाल के जवाब तो हम दे सकते हैं, पर बजट कैसा रहा? ई सवाल वेरी टफ मैडम। हम तो इतने जानते हैं कि सत्ता पक्ष वाला सबके लिए बजट अच्छा नहीं, बेहतरीन रहा, और विपक्ष लोग खातिर खराब नहीं, बहुते खराब रहा। कुछ कुछ तो बूझ रही हूँ। वैसे बजट में गरीबों के लिए कुछ घोषणाएं भी तो हुई हैं। मैडम, जब से बजट बन रहा है, आप ही बताइए कौन से बजट में गरीब सबके लिए घोषणा नहीं रहता है? मैडम, गरीबी हटावे का घोषणा करते करते कितना लोग कुर्सी से हट गए। पर गरीबी है कि हटने को तैयार नहीं है। एक्चुअली गरीबी इज वेरी जिद्दी मैडम। इनकम टैक्स स्लैब के लिए आप क्या कहेंगे? उसमें भी तो छूट नहीं मिली है। अरे मैडम, ये काकी हमरे दुखते रग पर हाथ रख। जानती है मैडम, इनकम पर टैक्स देना दर्द नहीं देता है। इनकम अगर टैक्स देवे लायक ना हो ना, वो ज्यादा दर्द देता है। सेम फीलिंग हेयर मैडम। वो सब छोड़िए, मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या कुछ है? बजट शुरू होवे से पहले हर साल के भांति इस साल भी मिडिल क्लास वाला लोग गाया, देख लो इधर भी एक बार मैं हूं ना। पर जैसे ही गनवा गाया, बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई दिया, तुझे मुरव्वत देवे से पहले मिडिल क्लास मुझको बहुत सोचना है। पर टैक्स स्लैब कहां बदला? आप भी नहीं है बदलिए। अभी आपको बोले ना, बहुत सोचना है। अब जब बहुत सोचना है तो टेम तो लगेगा ना मैडम। आप लोग हड़बड़ाती बहुत हैं। बी पॉजिटिव ऑलवेज, नेक्स्ट टाइम, क्या समझी? आप बहुत बकवास करते हैं। इतना देर में आप यह समझी? और क्या समझने लायक आपने बातें ही की क्या? खैर ये सब छोड़िए, बजट में 60 लाख की नई नौकरियां देने की बात वित्त मंत्री ने कही है। मैडम जस्ट आस्किंग, ये पहले वाला 2 करोड़ टाइप या? अरे भाई, कहा तो मैंने 60 लाख नई नौकरियां। यानी 60 लाख लोग कहेंगे माँ मुझे नौकरी मिल गई माँ। बजट में तो यही कहा गया है। अच्छा, वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि ये बजट अगले 25 सालों का विजन पेश करता है। अब वित्त मंत्री के इस बात पर विपक्ष ने तंज भी कसा। केवल तंज कसा है? अरे भाई, उन लोग को तो गुस्साना भी चाहिए। आप ही बताइए मैडम, ये जो है ये सरकार के नवा बजट है। अब यहाँ से 25 साल और, तो ये विपक्षी बेचारा लोग और कितना दिन बजट के विरोध में बोलता रहेगा? ऐसे में तो बजट के फेवर में बोले का इंतजार करते करते उनका अगला पीढ़ी आ जाएगा, है कि नहीं मैडम? आपकी बातें समझ नहीं आती लाल बुझक्कर जी। वैसे आपको बताऊं कि बजट में ये भी कहा गया है कि MSP का भुगतान अब सीधे किसानों के खाते में होगा। मैडम, किसान लोग खातिर तो ये बढ़िया हुआ है, पर उन लोग के लिए? किन लोगों के लिए?
अरे वही लोग जे कहते हैं आंदोलन होगा जी आंदोलन, बुझी कि नहीं? आपकी बातें आप ही बुझो लाल बुझकर जी। बजट पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ अपने अपने तरह से इसका आकलन कर रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे और लाल बुझकर को दीजिए इजाजत, देखते रहिए आप न्यूज़ 22 को।